हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी ड्रीम 11 टीवी, जहां आज हम बात करेंगे चाइना वुमेन्स वर्सेस यूएसए वुमेन्स के मैच के बारे में। मैच के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। जो ज्वाइनिंग का जो लिंक होगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। तो अब बात मैच के बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इस चैनल यानी कि हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दे रहे हैं। हालांकि हमारा परिवार अभी काफ़ी छोटा है, बट आई एम श्योर आप लोगों की मदद से हम इस चैनल को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। तो आज का हमारा एक छोटा सा टारगेट होगा, जहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वहाँ पे हमें अचीव करना है, वो होगा 50 सब्सक्राइबर प्लस हमारे वीडियो पे 20 प्लस लाइक्स, जो कि काफ़ी छोटा एक टारगेट है, जो कि मेरे को आई एम श्योर कि आप लोग आसानी से उसे पार करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये मैच है चाइना वुमेन वर्सेज यूएसए वुमेन्स के बारे में, और इनका वेन्यू की बात करें तो ये है चैंगोज स्टेडियम चाइना में। अब स्टैट्स की बात कर लें तो इन दोनों टीम्स के बीच में 1994 से लेके 2019 तक अभी तक टोटल में मैच खेले गए हैं 8, जिसमें से बात करें चाइना वुमेन्स की तो उन्होंने उन 8 मैचेस में से 2 मैच जीते हैं और हारे हैं 6 मैच। और वही बात करें इनके ड्रॉ मैच हुए हैं वो है 0। अब बात कर लेते हैं यूएसए की, तो यूएसए की मैं थोड़ा इसको एडिट करना भूल गया हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। जहाँ यूएसए की बात करें तो उन्होंने अपने टोटल 6 मैच, जो 8 मैच खेले हैं उसमें से 6 मैच जीते हैं, और जो 2 मैच हारे हैं वो भी चाइना के अगेंस्ट ही हारे हैं, और इनका बीच में ड्रॉ मैच एक भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, जहाँ इनकी रैंकिंग से आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टीम आपके लिए ज़्यादा बेटर करने वाली है और कौन सी नहीं। जहाँ बात करते हैं हम चाइना की, तो वो पॉइंट्स टेबल पे 8th रैंकिंग पे हैं। वहीं बात करें यूएसए की, जो कि 9th पे, जहां की जैसे ये जो 9th रैंकिंग है ये पॉइंट्स टेबल की सबसे बॉटम पे है और चाइना सेकंड बॉटम पे हैं। अब बात करते हैं इन दोनों टीम्स ने अभी तक कितने मैचेस खेले हैं और उनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं। जहां तक बात करें चाइना की, तो उन्होंने खेले हैं अपने 15 मैच, जिसमें से उन्होंने जीते हैं सिर्फ 3 मैच और उन्होंने हारे हैं 10। वहीं बात करते हैं उनके ड्रॉ मैचेस की, तो वो हैं 2 मैच। वहीं बात करें अब यूएसए वुमेन्स के बारे में, तो उन्होंने खेले हैं अपने 14 मैच, जिसमें से वो हारे हैं 1 मैच, उनके मैच नहीं जीते हैं 1 मैच और उनके ड्रॉ मैच हुए हैं 3 और उन्होंने हारे हैं 10 मैच। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड्स के, जहां आप देख सकते हैं चाइना के स्क्वाड्स के बारे में हम बात करते हैं। स्क्वाड के बारे में बात करने से पहले मैं हमारे जो यूजर्स हैं उनकी कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें एक्सक्लूसिवली जो प्लेइंग 11 है, जिसको मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, वो चाहते थे कि मैं कोई नया एक टेलीग्राम मतलब आईडी बनाऊं जहां से उनको वो एक्सक्लूसिवली वो कंटेंट प्रोवाइड करूं जो फाइनल प्लेइंग 11 होती है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी टीम के जो भी जैसे जिस मैच के लिए वो जिस मैच में जो उनकी टीम डिक्लेयर होती है वो 18 मेंबर्स की होती है, जिसमें से 11 मेंबर्स ही खेलते हैं। तो उनका कहना था कि मैं जो फाइनल प्लेइंग 11 हो उस एक्सक्लूसिवली उस टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करूँ, जहाँ मैं उनसे कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज कर सकूँ। वैसे मैं इस बारे में कोई श्योर नहीं हूँ, बट आप लोगों की सजेशन चाहिए इस चीज़ में मुझे। अगर प्लान वर्कआउट हो जाता है तो मैं आप लोगों से कम जितनी कोशिश होगी उतने कम से कम ही अमाउंट चार्ज करूंगा। जैसा कि मेरा अगर आइडिया ये वर्कआउट हो जाता है, जैसे आप लोगों के हिसाब से अगर आप लोगों की सजेशन वर्कआउट हो जाती है, तो हम जो चार्ज करेंगे वो होंगे सिर्फ 10-15 मिनिमम अमाउंट, जो कि पर मैच का होगा। चलिए देखते हैं आप लोगों की क्या सजेशन होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आप लोग के क्या आइडिया है इस बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं। अगर प्लान वर्कआउट हो जाता है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लैशेस होने के कई सारे चांसेस होते हैं, और अगर हम फाइनल जो 12 की जो टीम है वो आपको फाइनली अपने एक्सक्लूसिव चैनल पे ही प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे होगा ये कि जैसे जो हमारे यूट्यूब के चैनल से देखते हैं उनको 18 मेंबर का स्क्वाड मिलेगा, और जो आप देख रहे हैं उनको आपको सिर्फ 12 मेंबर का ही स्क्वाड मिलेगा, जिसमें जो मेन 12 प्लेइंग 11 होगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से ज़्यादा अमाउंट जीत कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चाइना के स्क्वाड के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि इनका नाम भी काफ़ी टफ है बात बोलने में भी, तो चलिए हम कोशिश करते हैं। जैसा कि इनके फर्स्ट प्लेयर हैं गोलकीपर ली के बारे में बात करें, तो इन्होंने अभी तक एक मैच नहीं खेला है, और जो स्क्वाड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये इनके 18 मेंबर का स्क्वाड है, जो इस मैच के लिए जो डिक्लेयर की गई है चाइना के कोच के द्वारा।
फिर बात करते हैं गु के बारे में, जिन्होंने खेले हैं 15 मैच 3 गोल, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग में। फिर बात करते हैं जिकाई के बारे में, तो इन्होंने 13 मैच 0 गोल। फिर सुई के बारे में बात करें तो 13 मैच 2 गोल, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम जू के बारे में, तो शू के बारे में बात करें तो इन्होंने खेले हैं 15 मैच इनके गोल हैं 1, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके ग्रैंड लीग में। तो इसके बाद बात करते हैं पेंगयांग के बारे में, जो इनके कैप्टन हैं, तो उनके बारे में बात करें तो उन्होंने खेले हैं 10 मैच 3 गोल, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये आपके लिए। फिर बात करते हैं लियांग के बारे में, तो उन्होंने खेले हैं 13 मैच और गोल हैं इनके 3। फिर जियायू के बारे में बात करें तो उन्होंने 11 मैच इनके हैं 3 गोल। फिर बात करते हैं ली होंग के बारे में, तो 14 मैच उनके गोल हैं 0। फिर बात करते हैं जैंग जिंगरोंग के बारे में, तो इनके हैं 15 मैच 0 गोल। अब जिक्सिया के बारे में बात करें तो ये काफी यंग और टैलेंटेड प्लेयर हैं, जैसा कि मैं आपको हर मैच में बताता हूँ, एक ऐसा प्लेयर होता है जो आपको काफी वर्कआउट कर सकता है आपके ग्रैंड लीग की टीम में, उसमें से आप जैसे जियायू आपके लिए भी ऐसे प्लेयर साबित हो सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली आपको बताया था इंडिया के मैच में कि आप गुरदास दीप सिंह था जिसके बारे में मैंने आपको एक्सक्लूसिव बताया था, इसको आप ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने किया होगा तो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे और उन 2 गोल्स में अगर किसी ने भी अपने टीम में भी उनको रखा होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा अमाउंट जीते होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, जो कि हमारे जैंग के बारे में, तो उन्होंने खेले हैं 15 मैच 3 गोल उनके हैं, तो जैसा कि आपके लिए स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग में अच्छे साबित हो सकते हैं। फिर बात करते हैं जियांग जिंग के बारे में, तो उन्होंने 15 मैच खेले हैं इनके गोल हैं 0। फिर हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर हैं उनके बारे में बात करें तो वो है मैंगलिंग, जिन्होंने मैच खेले हैं 11 उनके हैं गोल 0। फिर जैनी के बारे में बात करें तो 9 मैच 1 गोल, ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छे कंटेंडर हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जिकाई के बारे में, तो उन्होंने 10 मैच 1 गोल, ये भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। फिर बात करते हैं इनके सेकंड गोलकीपर, जो इनके मेन गोलकीपर हैं इस मैच के लिए, उनकी बात करें तो उन्होंने खेले हैं 15 मैच गोल हैं 0। अब बात कर लेते हैं इनके बेस्ट पिक के बारे में, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये चिले वुमेन नहीं है, ये एक्चुअली में चाइना वुमेन है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो अगर बात करें इनके बेस्ट पिक के बारे में, तो सबसे पहले पिक होंगे हमारे बिनफेंग के बारे में, जो बिनफेंग आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, जिन्होंने 15 मैच में 3 गोल स्कोर किए हैं। फिर बात करते हैं जुआइजियाई के बारे में, तो जुआइजियाई के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने 13 मैच में 2 गोल स्कोर किए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर बात करते हैं वेन्यू के बारे में, तो वेन्यू ने खेले हैं 15 मैच उनके गोल हैं 1। फिर बात करते हैं पेंगयांग के बारे में, जो इनकी टीम के कैप्टन है और काफी अच्छे प्लेयर हैं, 10 मैच में उन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं। फिर बात करते हैं यू गियायो के बारे में, तो यू गियायो के बारे में बात करें तो 11 मैच में उनके हैं 3 गोल, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं स्मॉल लीग में आपके लिए। फिर बात करते हैं जिया जियो के बारे में, तो इन्होंने खेले हैं 15 मैच 3 गोल, स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग में काफी अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर बात करते हैं चैन यी के बारे में, तो चैन यी के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने खेले हैं सिर्फ 9 मैच और इनके गोल हैं 1, ये ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूएसए के स्क्वाड के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके प्लेयर हैं मास्टन एरिन, जिन्होंने सिर्फ खेले हैं 6 मैच और उनके गोल हैं 0। मैस्टन एरिन ने सिर्फ एज ए सब्स्टिट्यूट ही खेला है अभी तक, और मेरा मानना है इस मैच में भी वो एज ए सब्स्टिट्यूट ही खेलेंगे। अब बात करते हैं इनके गोलकीपर के बारे में, जो कि इनके सब्स्टिट्यूट गोलकीपर हैं, जैको के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 2 मैच खेले हैं। फिर उसके बाद इनके नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं ग्रेगा डेनाइल के बारे में बात करें तो इन्होंने खेले हैं 12 मैच इनके गोल हैं 3, अच्छे पिक हो सकते हैं स्मॉल लीग में। फिर बात करते हैं उम्स्टेड कैसी के बारे में, तो जैसा कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इनके स्टैट्स को इस सीजन के देखकर, क्योंकि ये काफी अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने खेले हैं 10 मैच और इनके गोल हैं सिर्फ 1 भी नहीं है इनके गोल, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इनके लिए काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि काफी यंग और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं ये, यंग तो नहीं कहूंगा पर काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं ये इस टीम के। फिर बात करते हैं पार्कर एलआईसी के बारे में, तो एलआईसी ने खेले हैं 8 मैच और इन्होंने गोल स्कोर किए हैं 0। फिर बात करते हैं वेस्ट टेलर के बारे में, खेले हैं मैच 12 इनके गोल हैं 2। फिर हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं अमांडा मैगार्डन के बारे में बात करें तो उन्होंने खेले हैं 13 मैच गोल स्कोर हैं 0। फिर बात करते हैं हॉफमोन के बारे में, तो उन्होंने खेले हैं 13 मैच गोल स्कोर हैं 0। फिर बात करते हैं गोंजालेस के बारे में, अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, इन्होंने अभी तक सारे मैच खेले हैं अपने, वो भी अपने प्लेइंग 11 में खेले हैं, ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर नहीं खेलते, तो इन्होंने खेले हैं 14 मैच 2 गोल। फिर बात करते हैं एना के बारे में, 12 मैच 1 गोल। फिर बात करते हैं मारी बैरम के बारे में, तो 8 मैचों में से इन्होंने सिर्फ 3 मैचों में
प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं, बाकी के 5 मैचों में ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले हैं। फिर बात करते हैं मार्क्स कैली के बारे में, तो ये इनका इस लीग का पहला मैच होगा अगर ये खेलते हैं तो। फिर बात करते हैं फ्रोइडा एली के बारे में, तो 14 मैच 0 गोल। फिर बात करते हैं एलिजी मकनजी के बारे में, तो 13 मैच 2 गोल। इनके कैप्टन की बात करें तो इनके कैप्टन हैं शाकी, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि इन्होंने कोई गोल नहीं किया है। इन्होंने खेले हैं 14 मैच और इनके गोल हैं 0। फिर बात करते हैं पॉलिनो के बारे में, तो इन्होंने 6 मैच 0 गोल, 6 के 6 मैच एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेले हैं इन्होंने। फिर बात करते हैं एलाइसा के बारे में, तो 14 मैच 0 गोल, और इनके जो मेन गोलकीपर हैं वो हैं बिंग कैल्सी, जिन्होंने 10 मैच और 0 गोल स्कोर किया। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसा कि ये जो 18 है ये इनके स्क्वाड्स में जो डिटेल आज के मैच में खेलने वाले 18 मेंबर की टीम है, तो आप लोग इन 18 के अलावा चाइना हो चाहे यूएसए के हो, इन 18 के अलावा आप किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट मत कीजिएगा, चाहे कोई भी आपको कुछ भी बताए या उनके पॉइंट्स में आपको कितने भी ज़्यादा पॉइंट्स दिखें, वो ये मैच नहीं खेलेंगे। अगर जो इस 18 के अलावा जो भी अलग प्लेयर हैं वो मैच नहीं खेलेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्हीं 18 में से आप किसी प्लेयर को चूज करिएगा, चाहे वो यूएसए की टीम में से हो चाहे वो चाइना की टीम में से हो। अब बात करते हैं यूएसए के बेस्ट पिक के बारे में, तो ग्रे का काफ़ी अच्छे चॉइस हो सकते हैं, वेस्ट भी आपके लिए वैसे ही काफ़ी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो गोंजालेस लिनेया के बारे में, जैसा मैंने बताया था उन्होंने खेले थे 14 मैच जिसमें उन्होंने गोल स्कोर किए हैं अभी तक 2। फिर बात करते हैं एलिजा मैकेंजी के बारे में, तो ये 13 मैचों में इन्होंने 2 गोल स्कोर कर रखे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रोइडा अली, जैसा कि मैंने कहा ये लिख रखा है यहाँ पे, ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर बात करते हैं शाकी कैथलीन के बारे में, तो ये इनके कैप्टन है, काफ़ी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर हैं और आपको गोल स्कोर करके दे सकते हैं ग्रैंड लीग में, अगर आप लेते हैं स्मॉल लीग में इनको पिक मत कीजिएगा। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में, ये मैच काफ़ी अनसर्टेन है, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट को अगर यूज़ करते हैं तो हम उस चीज़ में काफ़ी अनसर्टेन रहते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने देर तक लास्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे ही इस मैच के बारे में कुछ ऐसा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं इस मैच को लेकर कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला, बट फिर भी मैं अपने गट्स के हिसाब से बात करूँ तो इस मैच को यूएसए जीतने वाला है, जहां उनके विनिंग परसेंटेज हो सकते हैं 50-51%। तो विदाउट एनी फर्दर, अब कोई थोड़ी देरी करे बिना हम बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे चाइना वर्सेस यूएसए के मैच के बारे में, तो ये अब से 3 घंटे 48 मिनट बाद है, तो हम बना लेते हैं जैसा कि हमने पहले से ही टीम बना रखी है, आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं, हमने यहाँ पे गोलकीपर सेक्शन में काफी अच्छे चॉइस हैं, जैसे जेई भी हैं, जैको भी हैं, काफी अच्छे चॉइस हैं, बट हम गए हैं केबलिंग के साथ। उसका रीज़न ये है कि हमें लेना था, 7 हमने चाइना के प्लेयर ले रखे हैं और 4 हमने यूएसए के प्लेयर ले रखे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं केबलिंग्स के काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, स्मॉल लीग में आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर बात करते हैं डिफेंडर सेक्शन के लिए, तो डिफेंडर सेक्शन में हम गए हैं गु के साथ, जो कि हैं चाइना के, जिन्होंने 15 मैच में 3 गोल स्कोर किए हैं और उन्हें काफ़ी टैकलिंग पॉइंट्स में इनको काफ़ी मिल रखे हैं, जैसा कि आप इनके प्रीवियस पॉइंट्स से देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं, आपके लिए कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। फिर बात करते हैं यूएसए, इनमें से और भी काफ़ी अच्छे चॉइस हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए हो सकते हैं एली फ्रोइडा के बारे में, जैसा जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं, हालांकि इन्होंने अभी तक एक भी पॉइंट गोल स्कोर किया, एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। ये जो इनके 18-19 जो भी पॉइंट्स हैं इनके टैकलिंग पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मैनली, इतने खास नहीं होंगे। फिर उसके बाद बात करें जे यंग के बारे में, जूलिया यंग के बारे में, तो ये मैच नहीं खेलेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप इनको मत लीजिएगा। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर, वो होंगे जुएक्सिया कुई के बारे में, तो जुएक्सिया कुई के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इन्होंने खेले हैं 13 मैच, इनके गोल हैं 2, और इनके आप जैसे पॉइंट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, तो अच्छी चॉइस हो सकते हैं कैप्टन के लिए भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, जो कि हैं जिक्से के बारे में, जैसे मैंने आपको बता रखा है इन्होंने खेले हैं 15 मैच और इनके गोल हैं 1, और ये जो भी पॉइंट्स हैं इनके टैकलिंग या जो भी अटैकिंग रूप से जो भी खेलते हैं ये मतलब उनके पॉइंट्स हैं ये। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे डिफेंडर सेक्शन में, हम 3 ही प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे। अब बात करते हैं हमारे मिडफील्डर सेक्शन में, मिडफील्डर सेक्शन में भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं, बट हम जाना चाहेंगे जैंग के साथ। जैंग के साथ जाने का रीज़न एक यही है कि ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि इन्होंने पिछले मैच में 3 माइनस भी दिए हैं, बट क्योंकि वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था, इस मैच में भी ये अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि इनके प्रीवियस स्टैट्स बता रखे हैं, इन्होंने 15 मैचों में 3 गोल कर रखे हैं, तो आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर बात करते हैं टी वेस्ट की बात करें, तो टेलर वेस्ट के बारे में बात करें, तो ये इस मैच को
नहीं खेलने वाले हैं, तो इनको टीम में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं हॉफमैन के बारे में। तो हॉफमैन, एशली हॉफमैन के बारे में बताऊं तो इन्होंने खेल रखे हैं सारे मैच अपने, 13 मैच में इनके गोल स्कोर एक भी नहीं है, तो मैं इनके साथ नहीं जाना चाहूंगा। और ये कोई छोटी मोटी पिक है जो आपके लिए काफी अच्छे साबित नहीं हो सकते। फिर बात करते हैं जैंग के बारे में। जैंग ज़ेरोंग भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, इन्होंने हालांकि गोल एक भी नहीं किया है, ये सारे इनके टैकलिंग पॉइंट्स हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्लेयर जो हमारे गए हैं उसके, हम यूएसए के प्लेयर के साथ गए हैं जो कि हैं ग्रेगा। ये काफी अच्छे पिक हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। ग्रेगा का जैसे मैंने आपको पहले भी स्टेट्स बता रखा है, डेनाइल ग्रेगा के बारे में जो मैंने आपको बता रखा है, काफी अच्छे पिक हैं, आप इनको ग्रैंड लीग एज वेल एज स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने 12 मैच में 3 गोल स्कोर किए हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और हमारे पास कोई इतने अच्छे चॉइस है नहीं, लॉरेंट मोयर खेलेंगे नहीं इस मैच को। फिर उसके बाद गुओ के बारे में बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं गुओ को सिर्फ 7% ने लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, वो भी ग्रैंड लीग में, जैसा कि इन्होंने 13 मैचों में 3 गोल स्कोर किए हैं, तो ग्रैंड लीग में इनको आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं यूएसए के हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर हैं जो कि हैं मैकेंजी। मैकेंजी 13 मैचों में उनके 2 गोल हैं, आप इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। फिर बात करते हैं हमारे फॉरवर्ड सेक्शन में, हम 3 प्लेयर के साथ गए हैं जिसमें हमारे पहले प्लेयर होंगे कैथलीन शाकी। शाकी के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये इस टीम के अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये इस टीम के कैप्टन भी हैं। ये इनके गोल तो हालांकि इन्होंने एक भी नहीं किया, ये इनके सारे टैकलिंग पॉइंट्स हैं, तो आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर जो हमारे फाइनल प्लेयर होंगे वो होंगे म्यू लियांग जो कि हैं चाइना के। न्यू लियांग भी आपके लिए जैसे मैंने आपको स्टेट्स में बता रखा है, जिनको आप देख सकते हैं 13 मैचों में इनके 3 गोल हैं, तो आप इनको छोड़ेगा मत। जो हमारे फाइनल प्लेयर हैं वो भी चाइना के ही होंगे जो कि हैं पैंग। पैंग भी काफ़ी है, अच्छे हैं और इस टीम के कैप्टन भी हैं, जिन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 3 गोल कर रखे हैं, तो आप इनको भी मत छोड़िएगा। इस तरह से ये हमारी टीम का प्रीव्यू हो जाता है। बात करें जैसा कि हमने बनाया है सिर्फ स्मॉल लीग की टीम, तो स्मॉल लीग की टीम में जो प्लेयर आपके लिए सबसे अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हो सकते हैं वो गु हो सकते हैं या औऊ हो सकते हैं। और भी आप कई ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जैसे लियांग को बना सकते हैं, पैंग को बना सकते हैं, शाकली को बना सकते हैं, हालांकि अभी के लिए सबसे अच्छी चॉइस यही होंगी। और जो फाइनल टीम होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं हमारे नए एक्सक्लूसिव कंटेंट के बारे में जो कि सिर्फ हम अपना हमारे नए चैनल बनाएंगे उसके बारे में, एक बार आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में। वेल दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड।